ये स्टीम इस तरीके से दी जाती है, इतनी दूर शरीर से इतना दूर रखना चाहिए स्टीम की पाइप को। स्टीम में बार बार जो बूंदे गर्म बूंदे की थी वो जलने का डर रहता है, इसके लिए इस पाइप को एक या डेढ़ फुट की दूरी पर रखें। ये गर्म बहुत रहती है इसके, और ये स्टीम इस तरीके से दी जाती है। शरीर में अकड़न वगैरह में स्टीम दी जाती है, इस तरीके से स्टीम दी जाती है। ये स्टीम है, कोई भी ले सकता है स्टीम, इसका कोई टेंशन नहीं, ना कोई साइड इफेक्ट है इसका। बच्चों को ध्यान रख के स्टीम दिया जाता है, बच्चों को सर्दी जुकाम, बहुत दिनों से सर्दी जुकाम नहीं जा रही तो स्टीम दे सकते हैं, इस तरीके से स्टीम दी जाती है। थैंक यू।